مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. माली जिन पौधों पर तवज्जा नहीं देता वो मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, झाड़ झंकार उनको घेर लेते हैं। लेकिन जिस बाग का माली पूरी तवज्जा और लगन से अपने पौधों की आबियारी और हिफाजत करता है, वो बाग हमेशा फलता और फूलता है। हिदाया एकेडमी, हजरत मौलाना शेख अजहर इकबाल दामत बरकातुहुम का लगाया हुआ वो बाग है जिसका एक एक पौधा फलदार दरख्त की शक्ल इख्तियार कर रहा है और अपने समर से उम्मत को फैजियाब कर रहा है। दाया एकेडमी का बुनियादी गोल जो है वो ये है कि दीनी तालीम यानी आलिम का कोर्स ऐसे लोगों को करवाया जाए जो दुनियावी कामों में मसरूफ है। लोग ये सवाल करते हैं कि जी आपने ये हिदाया एकेडमी क्यों शुरू की और इस तर्ज की तालीम क्यों देना शुरू की, तो जवाब उसका यही है कि इसी तर्ज की तालीम खुद हासिल की। यानी जिस ज़माने में आज इस अमरीका में होता था और वहाँ न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में ज़माने में PhD की क्लासेस हो रही थी, उसके साथ साथ ये आलिम का कोर्स जो है वो शुरू किया। दरस निज़ामी खुद मुकम्मल किया तो इसलिए इस मोड ऑफ एजुकेशन के अंदर इस आज इसका पूरा एतमाद है कि इस तरतीब पे ये तालीम दी जा सकती है। हिदाया एकेडमी अपनी 7 शाखों के साथ जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेशनल्स, रिटायर्ड अफसरान और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को दीनी उलूम से आरास्ता करने में गामजन है। हजरत मौलाना शेख अजहर इकबाल साहब के मुआविन खुसूसी और इदारे के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना फारूक फिरोज साहब तुलबा की इल्मी और अमली इस्तेदाद में बेहतरी के लिए फिक्रमंद रहते हैं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरा नाम मोहम्मद फारूक है और 2018 में हिदाया एकेडमी से दरस निज़ामी मुकम्मल किया। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ने खिदमत दी है और इस इदारे का जनरल सेक्रेटरी बनाया है। बेसिकली हिदाया एकेडमी एक ऐसा इदारा है जहाँ पे दुनियावी एतबार से तालीम याफ्ता लोगों को दरस निज़ामी आलिम का कोर्स कराया जाता है। जो लोग अपनी दुनिया में मसरूफ़ होते हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, PhD कर लेते हैं, उसके बाद उनको ये ख्याल आता है कि जितनी तालीम हासिल कर ली अब हमने कुछ पढ़ना है, तो उनके लिए हिदाया एकेडमी के दरवाजे खुले हैं। मुख्तलिफ शोबाजात के माहरीन के जरिए मुफीद तालीमी और फिक्री सेशंस और मुख्तलिफ वर्कशॉप्स का इनेकाद कराया जाता है जिसमें इस्लामी बैंकिंग, मॉडर्न रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लासेस भी शामिल हैं। हिदाया एकेडमी का मरकजी कैंपस डिफेंस कराची में वाक़े है। इस मरकज में 11 मुख्तलिफ औकात में ऑन साइट और ऑनलाइन दरस निज़ामी यानी 8 साला आलिम कोर्स कराया जा रहा है जिसमें तकरीबन 100 से ज़ायद माहिर असातिज़ा इकराम अपनी खिदमात पेशा वराना तरबियत के साथ अंजाम दे रहे हैं। एक हजार से ज़ायद इल्मी शौक रखने वाले तुलबा अपनी इल्मी प्यास बुझा रहे हैं। हिदाया एकेडमी ऑन साइट में 4 मुख्तलिफ औकात में दरस निज़ामी का कोर्स जारी है। मॉर्निंग वीकेंड एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम बरोज हफ्ता और इतवार सुबह 7:30 से 12:30 तक हजरत मौलाना निसार साहब की निजामत में दरस निज़ामी का सिलसिला जारी है। आप तकनीकी सलाहियतों के हामिल हैं और आपकी फिरागत मक्का मस्जिद से है। अगर मैं हिदाया एकेडमी को पूरे जो है समराइज करना चाहूँ तो यूँ कह सकता हूँ कि कुछ इदारे ऐसे हैं जो इंसान की ज़िंदगी ही नहीं बल्कि पूरा मुआशरा बदल सकते हैं, तो उन इदारों में हिदाया एकेडमी सरे फहरिस्त रहेगा। और ये बहुत ही आसान है उन लोगों के लिए जो पूरा हफ्ता मसरूफ़ रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे हमारे जानने वाले हैं जिनके पास जो है वो हफ्ते इतवार का टाइम फ्री होते हैं, सुबह सो के गुजारते हैं,
उन सब से गुजारिश ये है कि इस सोने के वक़्त को इल्म दीन सीखने के लिए वक्फ़ कर दें। इंशाल्लाह ये वक्त बहुत कीमती बन जाएगा। अगर आप जो है इंटरेस्टेड हैं हफ्ते एतवार में दरस निज़ामी करने के लिए, तो आप राब्ते कीजिएगा हमसे, हम आपको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। इवनिंग प्रोग्राम इस शोबे के नाजिम मुफ्ती अनवारुल हक अब्बासी साहब हैं, जिनकी फरागत जामियतुल उलूमुल इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिनोरी टाउन से है। हफ्ते में कोई से दो दिन यानी पीर और मंगल, या बुध और जुमेरात, या जुमा और हफ्ता शाम 6 से 9:30 बजे तक क्लासेस की तरतीब है। हिदाया एकेडमी की जब इब्तिदा हुई थी तो इब्तिदा उस वक्त तो दो तलबा से इब्तिदा हुई थी, और फिर ये आजिज भी आया, और उसके बाद चंद तलबा हुआ करते थे, और एक शेख साहब की खानका हुआ करती थी, और उसमें जो है ना तमाम अफराद पढ़ा करते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पौधा इतना तनावर हो गया है कि इतने अफराद फैल गए हैं, मुख्तलिफ ममालिक में भी तलबा बैठे हुए हैं। हिदाया एकेडमी की जो इवनिंग है उसमें अराउंड जो है तकरीबन 100 के करीब अफराद जो है ना इस पे ज़ेर तालीम है। अरब शाह अजम एक दिन जिब्रील से। आफ्टरनून प्रोग्राम बरोज हफ्ता और इतवार दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक क्लासेस की तरतीब है, जिसके नाजिम मौलाना जुबैर साहब हैं, जो एकेडमिक सिस्टम में काफ़ी तजुर्बा रखते हैं। हमारे इदारे का इसे विजन कहिए या मिशन कहिए कि हमारा इदारा इस चाहत में और इस आरजू में है कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले या पाकिस्तान से बाहर ताल्लुक़ रखने वाले हर तरह के शोबाए ज़िंदगी के लोग दीनी तालीम के साथ जुड़ जाएँ। दोपहर में सैटरडे संडे को हमारी ये स्लॉट अवेलेबल है, आप हज़रात ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हिदाया अकेडमी में दरस निज़ामी के साथ साथ तखस्सुस फिल इफ्ता यानी स्पेशलाइजेशन इन फिक्र भी करवाया जाता है, जिसमें दारुल उलूम कराची के नायब मुफ्ती मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब दामत बरकातुहुम की खिदमात भी हिदाया अकेडमी को हासिल हैं। हजरत मुफ्ती साहब हिदाया अकेडमी में हफ्तावार तशरीफ लाकर तुलबा के फतावा की तसहीह फरमाते हैं। इस शोबे के नाजिम मुफ्ती आरिफ साहब हैं, जो कि दारुल उलूम कराची के मुतखस्सिस और खैबर बैंक के शरिया बोर्ड के रुकन हैं। तखस्सुस फिल फिका का प्रोग्राम हिदाया एकेडमी का एक मुनफरिद नौयत का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम की मुतअद्दिद खवास और खासियात और फीचर्स हैं, जो तलबा दरस निज़ामी से फरागत के बाद ये चाहते हैं कि हम अमली दुनिया में कदम रखें और अपने माशी सरगर्मियों को सर अंजाम दें, अपने माशी सरगर्मियों को पूरा करें, और इसके साथ साथ हम तखस्सुस फिल फिका और इफ्ता की तालीम हासिल करें। तो उसके लिए हिदाया एकेडमी का तखस्सुस फिल फिका का प्रोग्राम इंतहाई अहमियत का हामिल है। आस्क हिदाया। हिदाया एकेडमी का दारुल इफ्ता बयक वक्त उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में साइलिन के जवाब देता है, और ये सवालात हमारी वेबसाइट आस्क हिदाया पर किए जाते हैं। हिदाया एकेडमी के तखस्सुस फिल फिका और इफ्ता के प्रोग्राम की एक इंतहाई अहम बात यह है कि यहाँ पर आस्क हिदाया का एक इंतहाई अहम प्रोजेक्ट भी साथ साथ चल रहा है। आस्क हिदाया के प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि हिदाया एकेडमी ने एक वेबसाइट डिज़ाइन की है, जहाँ पर दुनिया भर से कोई भी शख्स अपने सवालात पोस्ट कर सकता है, और उस सवालात के जवाबात दो जबानों के अंदर फराहम किए जाते हैं, उर्दू के अंदर और अंग्रेज़ी के अंदर बयक वक्त। हिदाया एकेडमी का मकसद इल्मे दीन की इशात के साथ साथ तस्किया और तसव्वुफ के जरिए तुलबा में अमल का शौक पैदा करना है, जिसके लिए हजरत शेख साहब जुमेरात को तुलबा और आवाम के लिए मजलिस जिक्र बयान और रोजाना बाद नमाज फज्र मजलिस मराकबा और इस्लाही गुफ्तगू फरमाते हैं। लोगों में इल्मे दीन की बढ़ती हुई प्यास को बुझाने के लिए हिदाया के मुख्तलिफ कैंपस काम कर रहे हैं। हिदाया अकेडमी हैदराबाद। 6 साल से हिदाया एकेडमी हैदराबाद में प्रोफेशनल्स हजरात को उलूम नबूवत बहम पहुंचाने का सिलसिला जारी है। वहां के नाज़िम मौलाना सिद्दीक़ अकबर साहब बेहतरीन असातिज़ा की टीम के साथ मसरूफ़ अमल है। हिदाया एकेडमी सखर
पिछले 3 साल से हिदाया एकेडमी सक्कर कैंपस में अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अंजाम दे रहा है। वहां के नाज़िम मौलाना गुलामुल्लाह साहब और नाज़िम तालीमात मौलाना अब्दुल अहद साहब हैं। हिदाया एकेडमी इस्लामाबाद 9 साल से हिदाया एकेडमी इस्लामाबाद के पोश इलाके में उलूम नबूवत का फैज़ आम करने की फिक्र में है। वहाँ के नाज़िम मौलाना मुईज़ुल्लाह गौरी साहब हैं, जो खुद PhD हैं। नाज़िम तालीमात मौलाना बिलाल साहब के हमरा इस्लामाबाद कैंपस के तमाम उमूर की देखभाल करते हैं। हिदाया एकेडमी मानसेरा, ये हिदाया एकेडमी की नई शाख है, जो गुज़िश्ता साल अल्लाह के फजल से शुरू की गई। इसके नाज़िम मौलाना शहरियार अब्बासी साहब और नाज़िम तालीमात मुफ्ती साजिद साहब हैं। हिदाया एकेडमी डैलस USA, वहाँ के नाज़िम डॉक्टर अदील शिबली दीगर असातिज़ा किराम के साथ अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं और कुफ्रिया माहौल में दीन इस्लाम की रोशनी बढ़ाने की फिक्र में लगे हुए हैं। हिदाया एकेडमी लाहौर, हिदाया एकेडमी लाहौर का इफ्तिताह इसी साल किया गया है, जिसके नाज़िम जनाब वाजिद साहब दामत बरकातुहुम दीगर असातिज़ा किराम के साथ इसी साल दर्जे उला से तालीमी साल शुरू करेंगे। हिदाया एकेडमी के ये सब उमूर अल्लाह ताला की मदद और मुआविनीन के तआवुन से जारी सारी हैं। अल्लाह से दुआ है कि इल्म नबूवत का ये फैज पूरी दुनिया में आम हो। इल्म के इस सफर में शामिल होने के लिए अभी हमारी वेबसाइट www.hidaya.edu.pk विजिट कीजिए। कुल्ले हौ लिमिनल अहवाली मौक।